नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज आपको एक नई चीज सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का विषय है चंद्र ग्रह से क्या क्या विचार करेंगे। शुभ और अशुभ चंद्रमा के बारे में आज आप जान सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में बता देते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं 4 नंबर की गिनती पर लिखा है तो यानी अपने घर का है, यानी जिस घर में होगा उस घर का फल अच्छा होगा। 2 नंबर की गिनती पर अगर कहीं कुंडली में लिखा है चंद्रमा तो चंद्रमा उच्च का है, उच्च का चंद्रमा राजयोग देता है। 8 नंबर की गिनती पर अगर चंद्रमा लिखा है तो नीच का है, नीच का चंद्रमा होने पर जो चंद्रमा से संबंधित तत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। चंद्रमा की दिशा पश्चिम है और शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक बलवान होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तक चंद्रमा कमजोर होता है। अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच में हुआ है तो ऐसे चंद्रमा को शुभ मानेंगे, और अगर कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक हुआ है तो ऐसा चंद्रमा पाप ग्रह में माना जाएगा। चंद्रमा के देवता शिव होते हैं, बिगड़े हुए चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव की उपासना करनी चाहिए। जिनकी कुंडली के लगन में पहले घर में 4 नंबर की गिनती है, कर्क लगन की है, उनके देवता भगवान शिव होते हैं। शिव की उपासना से अच्छा आराम मिलता है। जैसे आपको पिछले कार्यक्रम में मैंने बताया था कि सूर्य जहां पर बैठता है वहां पर गर्मी पैदा करता है, ठीक इसी प्रकार से कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठेगा, जिस किसी भी घर में बैठेगा कुंडली में, आपके जहां कहीं भी चंद्रमा बैठेगा, मान लीजिए ये कुंडली है, यहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित शीतलता प्रदान करेगा। लगन में है तो व्यक्ति का स्वभाव सौम्य रहेगा, दूसरे में है तो व्यक्ति की भाषा बोली सौम्य रहेगी, यानी जहाँ भी चंद्रमा बैठेगा वहाँ पर सौम्यता की वृद्धि करेगा, व्यक्ति के अंदर वहाँ पर ठंडापन आएगा। चंद्रमा अगर पक्ष का बलि है और लगन में बैठेगा तो सुंदर स्वरूप देगा, पक्ष का बलि है सप्तम में बैठेगा तो जीवन साथी को सुंदर बनाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा से क्या क्या विचार होता है, क्या फल मिलेगा। जो हमारे शरीर में कफ तत्व होता है उसका विचार चंद्रमा से होता है, कफ का विचार चंद्रमा से होगा। मन की जो चंचलता है उसका विचार, कोई व्यक्ति कितना चंचल है, चंचलता है या नहीं है, चंद्रमा से विचार करेंगे। मन की चंचलता, मन व्यक्ति का कैसा है, यह चंद्रमा से विचार करेंगे। अगर चंद्रमा कमजोर हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति को का मन अक्सर खराब रहेगा, चंचलता अधिक रहेगी। वनस्पति जो होती हैं, वनस्पतियाँ या वनस्पतिक औषधि जो होती है, चंद्रमा से विचार करेंगे। पितरों का विचार चंद्रमा से होता है, चंद्रलोक पितरों का लोक भी माना जाता है। श्रृंगार हो गया, सौंदर्य हो गया, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से विचार करते हैं। कुंडली में चंद्रमा को देख करके किसी व्यक्ति की मनोदशा के बारे में जाना जा सकता है। चंद्रमा स्वस्थ है, पक्ष बली है, तो ऐसा व्यक्ति मन का बड़ा उज्ज्वल होगा, मन का बड़ा साफ होगा। और अगर चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो ऐसे में व्यक्ति का की मनोदशा समय समय पर बिगड़ती रहेगी। सौम्यता वाली बात मैं आपको पहले ही बता दिया, चंद्रमा में सौम्यता है, शीतलता है, जहाँ बैठेगा जिस भाव में बैठेगा वहाँ शीतलता प्रदान करेगा। बायां नेत्र विचार करते हैं, स्त्री की कुंडली में दायां नेत्र विचार करेंगे चंद्रमा से, पुरुष की कुंडली में बायां नेत्र का विचार करेंगे। माता का विचार और माता से जुड़े हुए रिश्ते, माता हो गई, मौसी हो गई, चंद्रमा से विचार होता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का सुख अच्छा रहेगा। चंद्रमा 6, 8, 12 घर में हो, चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो, तो ऐसे में माता के स्वास्थ्य में हानि होने की संभावना होती है। जो हमारी डेली घटना होती है, डेली राशिफल आप पढ़ते हैं, वह चंद्रमा के अनुसार होता है।
चंद्रमा के ऊपर से जैसे जैसे ग्रह गुजरते हैं उस प्रकार से आपको रोज की घटनाएं होती हैं। आपकी राशि जो है, आपका चंद्रमा जब बृहस्पति के ऊपर से गुजरता है, आपकी राशि के ऊपर से बृहस्पति गुजरे तो धन लाभ होगा, आपकी राशि के ऊपर से शनि गुजरे तो शारीरिक क्षति होगी, मंगल गुजरे तो उस समय आपके अंदर तेज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जलीय तत्व जितने भी हैं चंद्रमा से विचार करेंगे, जल का विचार, जलीय तत्वों का विचार, सफ़ेद चीज़ों का विचार चंद्रमा से करते हैं। अगर आप जल से संबंधित या सफ़ेद वस्तुओं के व्यापार में लगे हैं तो चंद्रमा का विचार करना चाहिए। चंद्रमा का जो स्वाद होता है वह नमकीन होता है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो, आठवें में चंद्रमा हो, लगन में चंद्रमा हो, तो ऐसे व्यक्ति को नमकीन वाले स्वाद ज़्यादा पसंद आते हैं। अपने से बड़े उम्र के प्रति लगाव में भी चंद्रमा का योगदान होता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़े उम्र के विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है। दूध का विचार और स्तन का विचार भी चंद्रमा से होता है। बचपन का विचार चंद्रमा से होता है। अब किसी के कुंडली में 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, चंद्रमा शनि के साथ हो, चंद्रमा छीण हो, तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में सर्दी जुखाम की बीमारी ज़्यादा हो सकती है। जन्म लेने के बाद से ही ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य डाउन रह सकता है। स्त्रियों में मासिक धर्म का भी विचार चंद्रमा से होता है। अगर चंद्रमा के साथ केतु हो तो समय समय पर ऐसी स्त्रियों के मासिक धर्म में गड़बड़ी आ सकती है। सर्दी का विचार चंद्रमा से करेंगे, चंद्रमा स्वस्थ होगा, जो पक्ष बली होगा तो ऐसा व्यक्ति सर्दी से बचा रहेगा, कम सर्दी होगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। नर्स वाली जो पढ़ाई होती है उसका विचार चंद्रमा से करेंगे। सिंचाई और सिंचाई विभाग की नौकरी, नहर हो गया, नलकूप विभाग हो गया, सिंचाई विभाग, ये सब चंद्रमा से ही विचार किए जाते हैं। जितनी भी वस्तुएं रसीली हैं उन सब का विचार चंद्रमा से करेंगे। रसीली वस्तुएं या जूस आदि का दुकान जिसका है, वो रसीली वस्तुएं, आम हो गया, तरबूज हो गया, रसीली सभी वस्तुएं जो हैं वो चंद्रमा से देखेंगे। डेयरी का व्यापार अगर आप करना चाहते हैं, डेयरी उद्योग या डेयरी आइटम जो है चंद्रमा से विचार करेंगे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात का भी स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा अच्छा है कुंडली में तो आयात और निर्यात के कार्यों से आपको लाभ होगी। स्त्रियों में प्रदर रोग चंद्रमा से देखते हैं। अगर इस बीमारी से कोई पीड़ित है तो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। किसी के मन में अधिक चंचलता है, मन टिकता नहीं है, मनोदशा खराब रहती है, तो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करने से काफ़ी आराम मिलेगा। बार बार सर्दी जुकाम रहता है, श्वास के रोग से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कल्पनाशीलता जो है व्यक्ति की चंद्रमा से ही देखते हैं। अगर चंद्रमा अच्छे ग्रह के साथ हो, अच्छे भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी कल्पनाएं करता है, बुरे चीज़ों में मन कम जाएगा। राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो खराब चीज़ों में मन ज़्यादा जाता है। श्वास रोग में चंद्रमा की अधिक भूमिका होती है। श्वास रोग हो गया, गले के रोग हो गए और छाती के रोग हो गए, तो अगर आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं तो जानिए कि चंद्रमा आपका आश्वस्त है। चंद्रमा की वस्तुओं के दान से आपको काफ़ी राहत मिलने वाला है। चंद्रमा पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को टीबी की शिकायत हो सकती है, मानसिक बीमारी, पागलपन और डिप्रेशन, इन सब में चंद्रमा की भूमिका होती है। चंद्रमा स्वस्थ होगा तो आप इन सारी चीज़ों में, जो भी आपके पास में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगे, कष्ट, व्यक्ति उनको मजबूती से झेलेगा। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो व्यक्ति उन चीज़ों को झेल नहीं पाता और मानसिक रूप से बीमार होने लगता है, परेशान होने के कारण डिप्रेशन में जा सकता है। तो डिप्रेशन वाले लोग भी चंद्रमा के लिए चावल का दान करें तो उनके लिए बेहतर होता है। आगे हम बात करेंगे, जो फेफड़ा है हमारा, उसका भी विचार चंद्रमा से होता है। चंद्रमा स्वस्थ होगा तो फेफड़े से संबंधित रोग कम होंगे। चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि चीज़ों को याद रखने में क्या है, जिसका मन स्थिर है उसको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, और जो अस्थिर मन वाले हैं उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। तो इसलिए मन का स्मरण शक्ति से बहुत गहरा संबंध है। तो चंद्रमा कमज़ोर है या आपके बालक का पढ़ाई में मन कम लगता है, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करवाइए। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है। चंद्रमा के लिए चावल का दान सोमवार को कराइए, इससे अधिक लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा।
रक्तचाप की जो बीमारी है, खासकर निम्न रक्तचाप चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा मंगल और सूर्य के साथ हो, पीड़ित हो, चंद्रमा 6/12 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को रक्तचाप उम्र के हिसाब से अवश्य हो जाता है। स्तन का विचार इसी से करेंगे, चंद्रमा से। जहाज और बंदरगाह, चूँकि ये दोनों पानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पानी वाले जहाज और बंदरगाह, जल से जुड़ी हुई सभी चीज़ों में चंद्रमा का विचार होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो, दशम में हो, ऐसे लोगों को मर्चेंट नेवी आदि में प्रयास करना चाहिए। नेवी में, मर्चेंट नेवी में, इंडियन नेवी में प्रयास करने से काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाता है। तो चंद्रमा हमारे शरीर में क्या हो गया? मन हो गया। और सूर्य क्या होता है हमारे शरीर में? आत्मा। अगर किसी व्यक्ति का आत्मा और मन दोनों मजबूत है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अपने आप में एक राजयोग होता है। यानी सूर्य बलवान हो और चंद्रमा बलवान हो तो एक राजयोग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में ढेर सारे राजयोग हैं लेकिन चंद्रमा और सूर्य कमजोर हैं, तो राजयोग का फल बहुत कम मिलता है। यानी कुंडली में सूर्य चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर की गिनती पहले घर में लिखी हो, 5वें घर में लिखी हो, 9वें घर में 4 नंबर की गिनती लिखी हो, तो चंद्रमा के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं, चांदी में बनवा करके, सबसे छोटी उंगली में। तो चंद्रमा से क्या विचार होता है यहाँ पर आपको बताया। अगली बार आपको बताएंगे मंगल के बारे में। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्णा।